हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 14 ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा इन डिटेल। सो व्हाट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, राइट। अगर बात की जाए फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, इनको इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। ये दो डिफरेंट वर्ड से मिले बना है, इकाइनो प्लस डर्मेटा। इकाइनो मतलब होता है स्पाइन एंड डर्मेटा मतलब होता है स्किन। इट मीन्स दे पोसेस स्पाइनी स्किन, दे पोसेस स्पाइनी स्किन। ये स्पाइनी स्किन पोसेस करते हैं, राइट, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। एंड ये जो है, इनके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं इस ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे ओशियन में पाए जाते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी सिमेट्री इसमें, राइट, रेडियल होती है इन अडल्ट्स, और बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री भी देखी जाती है लार्वल फॉर्म में। तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है इन लार्वा। तो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके, और एडल्ट फॉर्म में इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे पोसेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पोसेस करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा तो बायलेटरल सिमेट्री विच इज प्रेजेंट इन लार्वा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है, बॉडी सिमेट्री इसमें रेडियल होती है। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी कि दे पोसेस थ्री जर्म लेयर्स, इसमें थ्री जर्म लेयर्स दे पोसेस करते हैं, राइट, पासवर्ड में आ गई। तो ये थ्री जर्म लेयर्स पोसेस करते हैं। इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब टू ओपनिंग्स होती है, ठीक है, माउथ एंड एनस, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे टू ओपनिंग्स देखी जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट्स व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप, वन इज माउथ एंड अनदर इज एनस। माउथ एंड एनस, देयर आर टू ओपनिंग्स इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। इसके अलावा जो माउथ पार्ट होता है वो लोअर होता है, वेंट्रल साइड होता है, वहीं जो एनस पार्ट है वो अपर होता है, ऊपर की तरफ होता है, एंड दैट इज डोर्सल साइड, राइट, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहां पे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। इनके पास वेल डेवलप्ड ट्यूब फीट होते हैं, ट्यूब फीट की हेल्प से ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इनकी जो बॉडी शेप होती है वेरिएबल बॉडी शेप होती है, इनकी बॉडी शेप स्टार शेप होती है, स्टार लाइक, इसका एग्जांपल है स्टार फिश। इसके अलावा इनकी बॉडी शेप कैसी होती है, ग्लोबुलर शेप होती है।
इसका एग्जांपल है सी अर्चिन। ऐसे ही इनकी बॉडी शेप सिलेंड्रिकल बॉडी भी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी, और सिलेंड्रिकल बॉडी की जो शेप है उसका एग्जांपल है सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर इसलिए सिलेंड्रिकल बॉडी, तो सिलेंड्रिकल बॉडी जो है वो सी कुकुम्बर है, तो बात आप याद रखनी राइट। तो देयर सिलेंड्रिकल बॉडी इज सी कुकुम्बर, में सिलेंड्रिकल बॉडी देखी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। बॉडी शेप स्टार लाइक इन स्टार फिश, ग्लोबुलर इन केस ऑफ सी अर्चिन एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इन केस ऑफ सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर में सिलेंड्रिकल बॉडी शेप होती है, ये बात आपको याद रखनी है राइट। तो वेरिएबल बॉडी शेप देखी जाती है। इसके अलावा इनमें जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, ट्यूब फीट की हेल्प से इनमें लोकोमोशन देखा जाता है राइट। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट से लोकोमोशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों प्रोसेस ट्यूब फीट से होते हैं। इसके अलावा लोकोमोशन भी ट्यूब फीट की हेल्प से इनमें देखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है राइट। इसके अलावा इसमें नो ब्लड पिगमेंट, कोई ब्लड पिगमेंट नहीं होता है। इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है राइट। में आएंगे, और इन एनिमल्स में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। एक बात और आप याद रखनी है कि ये जो एनिमल्स है डायनोडर्म्स जो है इनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी देखी जाती है। इवन लाइक स्टार फिश में इनकी जो आर्म्स है, अगर कभी कभी इनकी आर्म्स ब्रेक हो जाती है तो वो ब्रेकिंग आर्म्स फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखी जाती है इन एनिमल्स में, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। राइट, ब्रेकिंग आर्म कैन रिफॉर्म, इनकी जो ब्रेकिंग आर्म है वो फिर से रिफॉर्म हो जाती है, इसलिए हाई रीजनरेशन कैपेसिटी भी यहां पे देखी जाती है। इसके अलावा यहां पे जो रिप्रोडक्शन है वो इनमें सेक्सुअल होता है, डेवलपमेंट मेनली इनडायरेक्ट होता है, लार्वल फॉर्म होती है, सेवरल लार्वल फॉर्म आर देयर, डेवलपमेंट यहां पे इनडायरेक्ट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो यहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जाता है, सेवरल लार्वल फॉर्म देखी जाती है राइट, लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इकाइनोडर्मेटा। Now the next phylum of animal kingdom is Hemibodata, that I'm going to discuss in detail. So listen carefully about phylum Hemibodata also. So next phylum is phylum Hemibodata, that I'm going to discuss now. Phylum Hemibodata. So next phylum जो है वो है हमारा Hemibodata. Hemibodata के बारे में हम बात कर रहे हैं. Listen carefully about the phylum Hemibodata. राइट, हेमीगोडेटा के अगले करेक्टर हैं ये आप जान लीजिए, फाइलम हेमीगोडेटा राइट। फाइलम हेमीगोडेटा यानी कि इनको हाफ कोडेट्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज हाफ कोडेट्स, हाफ कोडेट्स इनको कहा जाता है। हेमी मींस हाफ और कोडेटा मींस कोडेट्स। पहले इनको हम सब फाइलम कोडेटा ही कंसीडर करते थे, लेकिन अभी हम इनको एज ए सेपरेट फाइलम कंसीडर करते हैं क्योंकि इनमें नोटोकोड अब्सेंट होते हैं। इनका बॉडी पोर्शन समवॉट इरेक्ट होता है लाइक कोडेटा, लेकिन इनमें नोटोकोड अब्सेंट होती है राइट, इसलिए इनको कोडेटा से हटा दिया गया है और अभी इनके लिए एक सेपरेट फाइलम हमने बना दिया है जिसको आप हेमीगोडेटा कहते हैं। तो हाफ कोडेट भी कहा जाता है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कोडेटा एंड नॉन कोडेटा, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है हेमीकोडेटा को, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोडेटा एंड हेमीकोडेटा, इसके अलावा सॉरी एंड नॉन कोडेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इनका जो कॉमन नेम है वो है टंग बॉम, इनकी शेप समवॉट टंग जैसी होती है इसलिए इनको टंग बॉम भी कहा जाता है।
और ये एक्सक्लूसिव निमराइड है, यानी कि दीज आर मेनली फाउंड इन ओशियन वाटर। तो ये ओशियन वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिव निमराइड है। और इनको टंग बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि शेप जो होती है सम बोर्ड टंग शेप होती है। इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है, बॉडी सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है, राइट। बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी होती है इसमें, ये बॉडी कैविटी के हिसाब से सिलोमेट एनिमल है, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि दे पॉसेस ट्रू बॉडी कैविटी। इसके अलावा ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे दे पॉसेस थ्री जर्म लेयर्स, इनमें थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। थ्री जर्म लेयर्स आर देयर, इट मींस दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, इनमें थ्री जर्म लेयर्स मौजूद होती है। बॉडी कैविटी के हिसाब से सिलोमेट है, एंड बॉडी सिमेट्री जो है इनकी बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। These are triploblastic animal, body cavity cilomate and body symmetry is bilateral. और body symmetry जो है इनकी वो bilateral है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा they possess three germ layers. इसमें जो है nerve cord होती है, जो कि ventral nerve cord है, right? इनकी जो body है, body जो differentiate होती है, वो different three डिफरेंट रीजन में इनकी बॉडी फॉर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है, ये भी आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, इनकी बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें, बॉडी फॉर्म के हिसाब से इनमें प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये तीनों रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, राइट। And this is trunk region. तो इसमें बॉडी जो डिफ्रेंशिएट होती है, ये बेलेनोग्लोसिस का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, राइट। दिस इज द डायग्राम ऑफ बेलेनोग्लोसिस, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, एंड दिस इज ट्रंक रीजन। तो इसमें थ्री मेन रीजन होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, राइट। जो प्रोबोसिस होता है, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बॉडी इस तरीके से डिफरेंशिएट होती है। और ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बेलेनोग्लोसिस, बेलेनोग्लोसिस, राइट। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, ये बात आपको याद रखनी है। फॉर रेस्पिरेशन दे पॉसेस गिल्स, इनमें गिल्स की हेल्प रेस्पिरेशन होता है, राइट। एक्सक्रीशन जो होता है, इसमें जो प्रोबोसिस ग्लैंड है उसकी हेल्प से एक्सक्रीशन करते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, यानी कि टू ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है, ठीक है। So the circulatory system is open type. Open type circulatory system is present होता है. Fertilization internal होता है. इनमें internal fertilization देखा जाता है.
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, राइट। डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट होता है, मेनली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, हिंदी कोडेटा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स, राइट, उनकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसके एग्जांपल्स में बेलेनोग्लॉसस आता है एंड सैकोग्लॉसस आता है, राइट। इसी के साथ हिंदी कोडेटा इज कंप्लीटेड। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस, राइट। तो यहां पे ये मैंने आज आपको हेमिकोडेटा बता दिया, इकाइनोडर्मेटा बता दिया। तो हेमिकोडेटा इज द लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कोडेटा, राइट। और इसके बाद का जो हमारा फाइलम आता है फाइलम कोडेटा आता है, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद फाइलम कोडेटा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।